साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर का, जून महीने का 11 और 12 जून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटना का। लेकिन चूंकि करंट अफेयर है, न्यूज का वीडियो है, समाचार का वीडियो है, और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ अभी खासकर एक महत्वपूर्ण वीडियो या हर जगह पर एक न्यूज चर्चा में है कि एक युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं है, जो बिहार से रिलेटेड थे, बिहार के रहने वाले, इसी पटना की धरती पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, शिक्षा पूरा किया। अपने पढ़ाई में अव्वल रहने के दौरान काफी चीजों को अपने योग्यता से प्रमाणित करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को चुना और अपने कैरियर को बनाया। लेकिन अचानक ही 34 वर्ष की उम्र में जिंदगी से हार मान करके अपने आप को इस जिंदगी से अलग कर लिया और हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सभी के लिए। ये जो समय चल रहा है 2020 बहुत ही विषम परिस्थिति भरा वर्ष है, और इस वर्ष में सभी लोग किसी न किसी डिप्रेशन से, किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, घरेलू कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई अपना निजी कारण हो, संबंधों का बात हो कि आपस में जो संबंध है हमारे फ्रेंड्स के, माता पिता के, भाई बहन के, पति पत्नी के, दोस्तों के बीच, सभी कुछ न कुछ अवसाद से, डिप्रेशन से घिरे हुए। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं टीवी पर, न्यूज पर, पेपर पर, मैगजीन पर, जहां खोलते होंगे फेसबुक, सोशल मीडिया पर, सब जगह आज सुशांत सिंह राजपूत का चर्चा है। और ध्यान रखें कि उन्होंने जो फिल्में बनाई वो जीवन के मूल्यों को दर्शाने वाला काम करता है, चाहे वो एमएस धोनी के जीवन जीवनी बायोग्राफिक पर बनाई गई बायोपिक की थी या छिछोरे, ऐसे बहुत सारे फिल्म लेकर वो आए जिसमें यही मैसेज था कि जीवन से लड़ना कैसे, स्ट्रगल से जूझना कैसे। लेकिन हमारा कथन शुरू से ही रहा है कि पढ़ाई में हम लोग भले पढ़ते हैं लेकिन उन चीजों को जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते। जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको सिर्फ सुनने तक ही सीमित रखते हैं, जीवन में उतार नहीं पाते, और यही हमारे जीवन में सभी समस्याओं का वजह है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा सभी युवा वर्ग से, सभी भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से, हमारे गार्जियन अभिभावकों से, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, संस्थान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे वो जो एनजीओ में चलाता हूं आदर्श तरुण फाउंडेशन के नाम से, उन सभी बच्चों बच्चियों सभी के लिए एक मैसेज है कि हमारे इस तरह से आत्मसमर्पण कर देने से दुनिया में कुछ नहीं बदलने वाला। हम ऐसे छोड़कर चले जाए, समस्याओं से लड़े नहीं और छोड़कर चले जाए, हमारे मर जाने से कोई भी चीज हल नहीं होने वाला है, कोई भी समस्याएं हल नहीं होने वाली। समस्या तभी हल होगी जब हम इस समस्या को, इस जो सिचुएशन को फेस करेंगे, इससे लड़ेंगे, जूझेंगे और उससे हम आगे बढ़कर के कुछ कर पाएंगे, तभी ये सिचुएशन बदल सकता। कोई चला जाता है, दुनिया एज यूजुअल चलते रहती है, सभी चीज, सभी का लाइफ चलता रहता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन बीतते बीतते सब कुछ भूल जाते हैं, फिर एक नए लाइफ को शुरू कर देते हैं, अपने अपने लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, कोई याद नहीं करता कि कौन कैसे था, नहीं था, अभी 2 दिन हुआ है इसलिए सब लोग बातें कर रहे हैं, 10 दिन बीतते बीतते सब लोग पुराने हो जाएंगे, फिर कोई याद भी नहीं करेगा कि सुशांत सिंह राजपूत क्या थे, नहीं थे, कैसे थे। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने जीवन को कभी भी त्याग ना करें, आत्मसमर्पण ना करें, जीवन से लड़ने का जज्बा पैदा करें। आपके रहने से ही जिंदगी है, सिस्टम आपसे है, सिस्टम से आप नहीं, ये ध्यान रखना है। एक बहुत बड़ा डायलॉग था, कहा जाता है कि जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं, मतलब हम हैं तभी सब कुछ, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं, समस्या दुख सुख हम हैं तभी तक, हम नहीं रहेंगे कुछ भी नहीं रहेगा, हमारे लिए कुछ मायने नहीं, एज यूजुअल सब कुछ चलती रहेगी। तो ध्यान रखें, अपने कोई भी कदम पर उठाने से पहले सोचें कि हमारा ये करने से क्या होने वाला, क्या बदलने वाला। अगर कुछ बदल सकता है तब तो करें, कदम उठाएं, और कुछ बदल ही नहीं सकता है तो ऐसा कदम उठाने का कहीं से कोई औचित्य नहीं। और सबसे बड़ा बात कि अपने माता पिता के चेहरे को, उनके भाव को, जो आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया है बचपन से युवा वर्ग तक, या जो भी काम किया है उसको जरूर ध्यान रखें कि आपके कदम से उनके दिल के, उनके हृदय को कितना ठेस पहुंचता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा कि सफलता असफलता, कोई भी ऊंचाई, कोई भी महत्वाकांक्षा प्राप्त कर लेना ही जीवन नहीं है। हम नौकरी ले लेंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, हम हीरो बन जाएंगे जीवन अच्छा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पैसे आ जाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं। जीवन हमारे माइंड सेट से चलता है, हमारा जीवन जीने का जो नजरिया होता है, सोच होता है, उससे जीवन चलता है।
हम जिस रूप में साइकोलॉजिकली अपने दिमाग को सेट करते हैं तभी हम जीवन को सही रूप में जी सकते हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं कि कोई कमी नहीं थी उनको, ना वो अचीवमेंट में कम थे, ना उनकी सफलता कम थी, ना पैसे की कमी थी, ना उनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छी थी, सब कुछ अच्छा, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन से निराश होकर इस तरह के कदम उठा लिया। और ये युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, चुनौती है। अच्छा मैसेज नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा सुनकर, मैं उस दिन से काफी विचलित हूं, मैं जल्दी इन सब चीजों पर बात नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने घटना घटित कर दिया वो पूरी तरह से झकझोर दिया युवा वर्ग को, और खास करके बिहार के लोगों, क्योंकि बिहार इसी पटना से जुड़े हुए हैं, हम लोग जिस सड़क पर चलते हैं उसी सड़क पर वो भी चले होंगे, वही इसी ग्राउंड पर बसावन पार्क में खेला करते थे, संत कैरस में पढ़ा करते थे, इसी बेली रोड के सड़कों पर घूमा करते थे। और हमारे बीच बिहार के लड़के जो स्ट्रगल में बहुत ताकतवर होते हैं, हर समस्या से जूझ लेते हैं। एक बिहारी मजदूर दिल्ली से पैदल चलकर बिहार आ जाता, इतना हिम्मत होती, और इतना टैलेंटेड व्यक्ति कैसे आत्मसमर्पण कर देता है ये मेरे समझ में नहीं आता। तो इस चीज को समझें और चुनौतियों को सामना करने की हिम्मत रखें, लड़ने की हिम्मत रखें, लड़ेंगे समस्या है तभी जिंदगी का मजा है। अगर जिंदगी शांत है, एज यूजुअल है, तो उस जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं है। तो ध्यान रखना है कि एक चीज ध्यान देंगे सिंपली कि मन के हारे हार है मन के जीते जी। जिस दिन मन से आप हार मान लिए आपकी हार हो गई, और मन से अगर आप हार नहीं मानते तब तक आपको कोई दुनिया में हरा नहीं सकता है किसी भी सिचुएशन। तो चलिए इसी मैसेज के साथ कि आप लोग ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे देश के प्रति, परिवार के प्रति, हमारे खुद के प्रति इस तरह की शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए महसूस कर दे, लोगों को बेचैन कर दे, ऐसा काम ना उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस करंट अफेयर की वीडियो को। तो पहला करंट अफेयर है संयुक्त अरब अमीरात से, एक बड़ा न्यूज है। यूएई का नाम सुने होंगे, अरेबियन कंट्री, जहां मुख्य रूप से पेट्रोलियम का कारोबार होता है। पेट्रोलियम का सबसे बड़े भंडारों में अरेबियन कंट्री का नाम आता है। हम भी या भारत जैसे देश भी वहीं से पेट्रोल मंगाते हैं, और ये अरेबियन कंट्री का एक छोटा सा देश है यूएई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। और ये यूएई अरब देशों का, अरब में बहुत सारे देश हैं, तो अरब का पहला देश है, ध्यान रखना, फर्स्ट कंट्री है जिसने स्पेस मिशन या मंगल मिशन पर काम कर रहा, मतलब मंगल पर एक यान भेजेगा, जैसे भारत भेज चुका है मंगल पर मिशन, उस तरह से अरब कंट्री के अंतर्गत अरब का पहला देश यूएई मंगल मिशन भेजने वाला, और ये भेजेगा जुलाई में जापान के द्वारा, मतलब ये मिशन को इंप्लीमेंट करेगा जापान। तो जापान जुलाई में जापान की मदद से यूएई अपना मंगल मिशन लॉन्च करेगा, ये अरब देशों का पहला मिशन होगा, ये ध्यान रखना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता। अब आगे चले, एक न्यूज है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट मतलब कीमत होता है, लिविंग मतलब जीवन होता है, तो जीने के लिए कितना खर्च लगता है। तो कहीं जाएंगे किसी शहर में, तो सबसे पहले शहर में रहने के लिए रूम चाहिए, घर चाहिए, फिर उसके लिए लिविंग कॉस्ट चाहिए, सब्जी, दूध, किराना सामान, सभी चीजें चाहिए। तो एक शहर में रहने के लिए जो भी खर्च होता है उसको एक सर्वे करता है मर्सर, और मर्सर 2020 में कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन की कीमत कितनी है, हमको जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, इसके आधार पर शहरों की सूची जारी किया, और उसमें मुंबई जो शहर निकला वो भारत का सबसे महंगा शहर है, ध्यान रखना, मतलब महंगाई के मामले में वहां रूम रेंट, वहां का लिविंग कॉस्ट, वहां का खान पान जो भी है वो भारत में पहला स्थान पर है, ध्यान रखना, ये ध्यान देना है कि भारत में पहला स्थान मुंबई का, जबकि मुंबई विश्व स्तर पर 60वां स्थान रखता, ये ध्यान रखना, मतलब अलग अलग पूरे वर्ल्ड के शहरों को मिलाए तो 60वां स्थान पर, जबकि एशिया में यही, एशिया कंट्री की बात करें, चीन या भारत के आसपास के कंट्री की बात करें, तो एशिया में इसका स्थान 19वां, देश में पहला, विश्व में 60वां, एशिया में 19वां, और विश्व में पहला स्थान जो है सबसे महंगे शहर के रूप में, ये पहला स्थान ध्यान रखना है, पहला जो है हांगकांग का है। तो हांगकांग दुनिया में सबसे महंगा शहर, हांगकांग के बाद दूसरा है अशगाबाद जो तुर्कमेनिस्तान में, तो अशगाबाद है, और अशगाबाद का तीसरा टोक्यो है, जापान का राजधानी। तो पहला हांगकांग, दूसरा अशगाबाद और तीसरा टोक्यो, जबकि मुंबई भारत में पहला है, विश्व में 60वां है, और एशिया में 19वां स्थान रखता है। और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना। हांगकांग के बारे में चर्चा भी है कि हांगकांग पर चीन दबाव बना रहा है कि उसको अपने में मिला ले, लेकिन हांगकांग इसका विरोध कर रहा, और वर्ल्ड के संस्थान हांगकांग को
एक फ्री कंट्री के रूप में देखते हैं। तो ध्यान रखना है कि हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर के रूप में 2020 में सामने आया, मतलब यहां रहना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा आपको पैसे खर्च करने होंगे। अब यहां ध्यान रखना है कि दो तीन न्यूज है राज्यों से संबंधित, मध्य प्रदेश ने एक पोर्टल लॉन्च किया रोजगार सेतु। तो इस तरह के बहुत सारे पोर्टल और ऐप लॉन्च हो रहे हैं कोविड 19 के संक्रमण काल में। तो ध्यान रखना है कि कोविड 19 के संक्रमण मध्य प्रदेश ने कई तरह की योजना, उसमें एक योजना लाया है प्रवासी मजदूरों के लिए जो बेरोजगार हो गए हैं उनको कैसे रोजगार दिया जाए, इसके लिए रोजगार सेतु नामक एक पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, पहला ध्यान रखना। दूसरा एक न्यूज है कर्नाटक से, और कर्नाटक ने जो आजकल चल रहा है ऑनलाइन पढ़ाई का दौर कि सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जा रहा है कि ऑफलाइन नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन ही पढ़े, जैसे हम आपको वीडियो माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प नहीं है, ध्यान रखना। हम इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में ले रहे हैं लेकिन ऑफलाइन का जगह ही नहीं ले सकता, खासकर उनके लिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं। और इसी को ध्यान में रख करके, चूंकि बच्चे जब वीडियो देखते हैं चीजों को समझ नहीं पाते हैं, टीचर से इंटरेक्शन नहीं होता, तो वो नहीं समझने के कारण उनको काफी दिक्कत हो रही, वो चिड़चिड़ेपन के शिकार हो रहे हैं, उनमें इरिटेशन की भावना, उनका कॉन्सेप्ट या उनका कॉन्फिडेंस गिरता चला जा रहा। और इसके चलते कर्नाटक सरकार ने कक्षा एक से लेकर पांच के कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई को, ऑनलाइन जो पढ़ाई ले रहे हैं स्कूल वाले, उसको बैन कर दिया है। अब ऑनलाइन पढ़ाई कर्नाटक में एक से पांच कक्षे तक के बच्चों की नहीं होगी, वो पढ़ाई जब भी होगी ऑफलाइन होगी, स्कूल में जाकर ही होगी। तो ये ध्यान रखना है कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने ऑनलाइन पढ़ाई प्रतिबंधित कर दिया, कहां से कहां तक, तो पहला कक्षा से पांचवा कक्षा। दूसरा एक कृषि केंद्रीय जो कृषि विभाग है उसने एक योजना लाई है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो इंग्लिश में है, हिंदी में देंगे तो हर बूंद अधिक फसल, हिंदी में इसका नाम है योजना का। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो सिंचाई से सुविधा दी जाती है कि पानी अगर खेतों को मिलेगा तो उपज ज्यादा होगी, और इसी के तौर पर एक योजना लाया गया पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कृषि विभाग का ये योजना है। तो भारतीय कृषि विभाग जो है डिपार्टमेंट, केंद्रीय कृषि विभाग का ये एक योजना, और इसके लिए सरकार ने अभी हाल फिलहाल में 4,000 करोड़ रुपए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवंटित किया है राशि के रूप में, ध्यान रखना। अब एक न्यूज है अभयारण्य से संबंधित, जो जंगलों से रिलेटेड न्यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और यहां पर गीर का वन, गुजरात में गीर का जंगल है और वहां के सिंह बहुत वर्ल्ड फेमस है, बहुत ज्यादा यहां सिंह पाए जाते हैं, और ये सिंह की संख्या 5 साल में, मतलब 2015 से 2020 के बीच ये बढ़ करके 29% बढ़ गया, जितना था उसमें 29% बढ़ करके इसकी संख्या 674 हो गई, और ये एक बड़ा आंकड़ा है, ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो गणना होता है जंगलों में उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जंगलों में सिंह कहां है, इसको काउंट करना बहुत कठिन है कि कैसे ढूंढने की कहां कहां है और कितना है। तो इसके लिए कोविड 19 के समय एक नया तकनीक निकाला गया, पूनम अवलोकन। तो पूनम अवलोकन होता है जो चांदनी रात होता है उसको पूनम की रात कहते हैं। तो चांद जब रोशनी गिरती है तो बाघ जो होते हैं, जो सिंह होते हैं, जंगल में जहां भी जलाशय होता है, कहीं झील है, कोई नदी है, कोई तालाब है, तो जंगल में जैसे ही रोशनी ढकती है, चांदनी गिरता है, तो जब चांद की रोशनी पहुंचती है तो उस किरण में सिंह निकल करके तालाब के किनारे पानी पीने पहुंचता है। और उसी का चित्र लेकर के सरकार ने ये आकलन किया कि कितना सिंह है। तो ये ध्यान रखना है पूनम अवलोकन तकनीक, तो ये याद रखना है, कभी कभी पूछ देगा कि बाघों की जो गिनती की जाती है वो किस तकनीक से, तो पूनम अवलोकन तकनीक से। और गिर के वनों में इसी तकनीक का प्रयोग करके ये पता किया गया कि पिछले 5 साल में 29% वृद्धि के साथ बाघों की संख्या 674 हो गई। अब आगे चलें तो उत्तर प्रदेश का एक न्यूज है यूपी का, और उत्तर प्रदेश सरकार ने गो हत्या निवारण अधिनियम या अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दिया, जिसमें गो हत्या को एक कानूनी प्रतिबंधित किया गया। गो हत्या को किस रूप में एक कानूनी दौर के तौर पर, कानूनी बाउंड्री में रखा जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया है, गो हत्या निवारण अध्यादेश, तो ध्यान रखना है। अब यहां एक न्यूज है नियुक्ति से संबंधित कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर को दो भाग में विभाजित कर, यहां में जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त न्यायालय, उच्च न्यायालय एक ही, और उस उच्च न्यायालय का एक नए जज की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है जावेद इकबाल वानी।
तो दोनों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भी और लद्दाख के लिए, दोनों का एक ही न्यायालय है, क्योंकि संयुक्त पहले राज्य था, अब उसको तोड़ करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो दोनों के लिए एक ही न्यायालय, और उन दोनों के न्यायालय के जज के तौर पर जावेद इकबाल वानी अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए नए जज के रूप में। अब आगे चले तो एक विश्व स्तर की संस्था है, वैश्विक निकाय आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। अब इसने भारत के जीडीपी में COVID-19 के कारण 3.7% की कमी का आकलन किया है, बहुत बड़ी गिरावट है। और ये पता चल रहा है इनसे कि गिरावट जो हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, और समय के साथ हमारे यहां मंदी आएगी, महंगाई बढ़ेगी और इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, और ये एक आकलन है। और ये भी कहा गया कि अगर COVID-19 फिर से भारत में सक्रिय हो गया, जैसा दिख रहा है कि सिम्टम बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अभी के स्टेज में 3.7 की कमी हुई है, लेकिन अगर फिर से ये प्रभावी हो गया, फिर से मामला गड़बड़ा गया, तो ये उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होगा और कमी जो होगी 3.7 के जगह 7.3% की कमी आ जाएगी जीडीपी में, और ये भारत के लिए एक दो साल जो आने वाला है आर्थिक रूप से बहुत ही खराब दौर होगा। और इसलिए हमने कहा कि इसी समय आदमी के मेंटल और शारीरिक और मानसिक स्टैमिना का आकलन होता है, इसी समय हम अपने आप को स्थिर रख पाते हैं कि नहीं, हम विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी गिरेगी तो बिजनेस बैठेगा, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और इसी समय अपने आप को संभालने की जरूरत होती है। तो ध्यान रखना है कि 3.7% की कमी आई, अभी के हिसाब में आएगा, और अगर फिर से सक्रिय हो गया तो 7.3 तक की कमी हो सकती है भारत के जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो ध्यान रखना है। अब यहां पर एक रेटिंग एजेंसी है फिच रेटिंग्स, तो ये ध्यान रखना, और इसने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में 9.5% की वृद्धि होगी, तो ये ध्यान रखना है, ये अलग रेटिंग एजेंसी है, और इसने फिच रेटिंग ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 2021-20 का जो अगला वित्तीय वर्ष होगा उसमें 21-22 में 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो ये एक अच्छा संकेत है कि इस रेटिंग के हिसाब से कहा जा रहा है कि ग्रोथ होगा, इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ जाएगी, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ एक बिहार से न्यूज है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिहार सरकार ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी, बिहार के जो भी कलाकार हैं, एक्टर हैं, जो भी, उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे अभी सुशांत सिंह की बात हो रही थी वैसे ही पंकज त्रिपाठी भी बिहार से जुड़े हुए, एक मूवी आई थी अभी हाल फिलहाल में Super 30 जो आनंद कुमार के नाम पर बनी थी, उनमें इन्होंने रोल किया था, बहुत सारी फिल्मों में इनका रोल है। तो पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ये ध्यान रखना कि तो बिहार में खादी बनेगा, उस खादी का प्रचार प्रसार का जिम्मा पंकज त्रिपाठी को दिया गया, तो बिहार सरकार की तरफ से एक ब्रांड एम्बेसडर है। और ये भी ध्यान रखना है कि देश में, पूरे भारत में देश का सबसे बड़ा खादी मॉल है, जैसे मॉल होता है बड़े बड़े, तो उस तरह से खादी मॉल है, और ये खादी मॉल पटना में ही है, गांधी मैदान के पास, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में, और इसलिए बिहार खादी को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को सरकार ने नियुक्त कर दिया, तो ध्यान रखना है। अब एक है NIFT, नाम सुने होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो फैशन के लिए डिजाइन करते हैं तरह तरह की चीजों, और इसमें नाम आया है निफ्ट पटना का, निफ्ट पटना मीठापुर बस स्टैंड के पास है, और ये निफ्ट पटना के दो स्टूडेंट श्रेयांशी मिश्रा और सूरज असावा, ये पढ़ते हैं यहीं के छात्र हैं, एक छात्रा है, ये आरा के रहने वाली है बिहार के, और ये महाराष्ट्र के, दोनों को एक लोगो बनाने के लिए, लोगो जो होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी सिस्टम का लोगो होता है, जैसे रुपया का लोगो क्या है कि रुपया हम लोग ऐसे लिखते हैं, लोगो है, तो लोगो को डिजाइन करने का मौका दिया गया, और देश के 90 लड़कों ने इसमें भाग लिया, और उसमें इन्हीं दोनों का चयन हुआ, श्रेयांशी मिश्रा का और सूरज असावा, और इन्होंने जो लोगो डिजाइन किया, यही लोगो देश में इनोवेशन और इनक्यूबेटर के लिए लागू होगा। अब देश में इनोवेशन इनक्यूबेटर के लिए जो नया नया टेक्निक आता है उसके लिए जो सरकार लोगो लगाएगी वो इन्हीं द्वारा डिजाइन किए गए लोगो का प्रयोग सरकार करेगी। तो ध्यान रखना है कि निफ्ट पटना के दो स्टूडेंट्स श्रेयांशी मिश्रा और सूरज असावा के लोगों का चयन किया गया,
और इसी के तौर पर इनको प्रथम स्थान मिला है इस प्रतियोगिता में और इसको द्वितीय स्थान सेकंड पोजीशन मिला है। प्रथम स्थान पर श्यामसी मिश्रा और दूसरा सूरज साहू। अब यहां एक न्यूज है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये ध्यान रखना। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात आई है तो ये ध्यान रखना है। HRD मिनिस्टर का नाम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर का नाम रमेश पोखरियाल है, ये ध्यान रखना। पोखरियाल निशंक भी को लगा हुआ है, रमेश पोखरियाल निशंक, ये ध्यान रखना। HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव विकास मंत्रालय, तो ये मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, और इन्होंने 2020 का रैंकिंग जारी किया। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020, ये ध्यान रखना, रैंकिंग जो जारी हुआ है 2020 का, और 2020 में जो रैंकिंग जारी हुआ उसमें देश के इंस्टीट्यूशन को अलग अलग विश्वविद्यालय के तौर पर ओवरऑल रैंकिंग के तौर पर कई कैटेगरी में बांटा गया और उसमें कई चीजों को चयन किया गया। अब इसमें कौन कौन से हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है उसको ध्यान रखना, जैसे पूरे देश स्तर में सबसे अच्छा कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम पूछ दिया जाए इस रैंकिंग के हिसाब से, तो ध्यान रखना कि सबसे अच्छा रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ संस्थान के तौर पर IIT मद्रास को दिया गया, ये ध्यान रखना। तो सबसे अच्छा कॉलेज IIT मद्रास है, ये ध्यान देना। अब यहां संस्थान के तौर पर, लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय विश्वविद्यालय की बात करें, यूनिवर्सिटी कौन सबसे अच्छी है भारत में, तो सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ध्यान रखना है इसका नाम है IISC बेंगलुरु। तो पहले तो इसका नाम याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु में है कर्नाटक में, और इसको सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया। अब यहां ध्यान रखना है कि इसमें अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये सेकंड नंबर पर है, IISC बेंगलुरु सेकंड नंबर पर है संस्थान में, तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली है, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय में अगर पूछे तो सबसे अच्छा ये, दूसरे नंबर पर JNU का नाम आता और तीसरे नंबर पर BHU बनारस, ये विश्वविद्यालय में 3rd, 1, 2, 3rd पर, ये ध्यान रखना। कॉलेज का नाम पूछेगा IIT मद्रास सबसे ओवरऑल रैंकिंग। अब यहां ध्यान रखना है कि अगर इंजीनियरिंग कैटेगरी में पूछा जाए कि दुनिया में भारत में सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज कौन, ये सभी में हमने कहा सभी संस्थानों में कॉलेज आर्ट साइंस मेडिकल साइंस सब कुछ मिला दें तो IIT मद्रास सबसे नंबर वन पर है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में भी नंबर इसी का आता है, पहला नंबर IIT मद्रास का ही है, ये ध्यान रखना सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, जबकि दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली और तीसरे नंबर पर IIT मुंबई है इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन आपको पहला याद रखना है ये फर्स्ट पोजिशन पर इंजीनियरिंग में, ये ध्यान रखना। तो इंजीनियरिंग में फर्स्ट यहां हमने अलग कैटेगरी दिया था, तो यहां ध्यान रखना है फर्स्ट जो है IIT मद्रासनी है इंजीनियरिंग में, ओवरऑल में भी फर्स्ट है इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट है, ये फर्स्ट रैंक रखे हुए। अब यहां देखना प्रबंधन संस्थान जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट की बात आती है जो कैट करते हैं, तो कैट में नंबर वन पर है IIM अहमदाबाद, तो ये ध्यान रखना है IIM अहमदाबाद जो MBA की पढ़ाई होती है उसमें सबसे टॉप पर IIM अहमदाबाद है, ध्यान रखना, और ये फर्स्ट पोजीशन पर है। अब इस रैंक में बिहार का कौन इंस्टीट्यूट है इसको ध्यान रखना, तो बिहार से रिलेटेड चूंकि BPSC से सब सवाल पूछेगा तो बिहार से आपको पूछा जाए कि बिहार की सबसे श्रेष्ठ अच्छी यूनिवर्सिटी तो कोई है नहीं, इस रैंक में 100 में एक भी नहीं है, तो बिहार का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इस रैंक में। दूसरा कॉलेज की बात पूछेगा तो बिहार का एक कॉलेज इसमें शामिल है संस्थान के रूप में जिसको IIT पटना कहते हैं, तो IIT पटना को इसमें जगह दिया गया 100 में, और जो जगह दिया गया इसमें इनको रैंकिंग दिया गया है देश के अंदर पर 54वां स्थान, मतलब पहला स्थान पर IIT मद्रास है इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में ओवरऑल रैंकिंग में, ओवरऑल रैंकिंग में मतलब जैसे ओवरऑल रैंकिंग में इंजीनियरिंग में नहीं, ये ओवरऑल रैंकिंग में, ओवरऑल मतलब सभी कॉलेजों को मिला दें तो IIT पटना 54वें स्थान पर है, लेकिन अगर इसको इंजीनियरिंग कैटेगरी में बांटे तो फिर इसका स्थान 26वां हो जाता है, ये इंजीनियरिंग कैटेगरी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजों में अच्छा गिनेंगे तो IIT पटना 26वां स्थान पर, और ध्यान रखना ओवरऑल रैंकिंग में एकमात्र यही संस्थान है IIT पटना जो इस सूची में जगह प्राप्त कर चुका। इसके अलावा एक इंजीनियरिंग कॉलेज और है जो इंजीनियरिंग कैटेगरी में है, वो है हमारा NIT पटना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना जो है
इसको जगह दिया गया इंजीनियरिंग कैटेगरी में, लेकिन खराब रैंकिंग है और ये पूरे ओवरऑल रैंकिंग में इंजीनियरिंग के अंतर्गत 52वें स्थान पर है। तो ये आपका कैटेगरी याद रखना, सबसे अच्छा कॉलेज, सबसे अच्छा संस्थान, सबसे अच्छा विश्वविद्यालय बिहार के अंतर्गत होगा, चूंकि बिहार का बीपीएससी वगैरह में पूछा जाए, तो इतना चीज आप ध्यान रखें। अब एक खेल से संबंधित न्यूज है, जो 28 जुलाई 2022 से एक नया खेल शुरू होगा, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल। इसका डेट पहले 27 जुलाई था, लेकिन इसको कल न्यूज आया है, मतलब 12 तारीख को ये 27 के जगह 28 जुलाई से शुरू होगा, एक दिन इसके डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो ये एक न्यूज है खेल जगत से, और खेल में कोई ज्यादा न्यूज नहीं है, ध्यान रखना। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। इसको देखें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा का, और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 11 और 12 जून का। थैंक यू।